नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, कुछ मूवीज़ होती हैं जो बियॉन्ड इमेजिनेशन भी होती हैं, थ्रिलिंग और एडवेंचरस भी होती हैं, हमारे नॉलेज को भी थोड़ा बढ़ाती हैं और हमें बिल्कुल बोर भी नहीं होने देती। इतना सब कुछ एक साथ मिल सकता है सिर्फ साईफाई मूवीज़ में, जिसमें भी सबसे अमेजिंग होती हैं स्पेस एडवेंचर मूवीज़, जो हमें कुछ देर में ही स्पेस जर्नी पर ले जाती हैं। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ऐसी ही टॉप 10 स्पेस एडवेंचर मूवीज़ डब्ड इन हिंदी। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो देखकर ही आपको इतना मजा आ जाएगा कि आप ये फिल्म्स देखने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे सभी वीडियोस की लिस्ट, फैक्ट, सिनेमा न्यूज और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है हिडन फिगर्स। ये एक हिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जो एक अनटोल्ड ट्रू स्टोरी हमारे सामने रखती है। ये फिल्म हमें 3 अफ्रीकन अमेरिकन मैथमेटिशियंस की स्टोरी दिखाती है, जिन्होंने नासा के स्पेस प्रोग्राम स्पेस रेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दोस्तों, स्पेस रेस एक कॉम्पिटिशन था दो कोल्ड वॉर राइवल्स सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कि सबसे पहले स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी कौन अचीव करता है। तो इस कंपटीशन का रिजल्ट जानने के लिए ये अमेजिंग स्पेस फिल्म आप देखिए। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है अनऑफिशियल सोर्सेज पर, डिटेल के लिए पिन कमेंट चेक कीजिए। You have identification on? NASA, sir. NASA? I had no idea they hired. There are quite a few women working in the space program. Number 9 पर है Armageddon. ये एक साईफाई डिजास्टर फिल्म है जो सस्पेंस भरपूर एक मिशन की स्टोरी आपको दिखाएगी। फिल्म में हम देखते हैं कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स को पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड नेक्स्ट 19 डेज में अर्थ को हिट करेगा। तब अर्थ को इस डिजास्टर से बचाने के लिए कुछ मिसफिट ड्रिलर्स की एक टीम को अपॉइंट किया जाता है। अब वो लोग अर्थ को बचा पाते हैं या नहीं, ये फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। दोस्तों, ये साईफाई एक्शन फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी अनऑफिशियल सोर्सेज पर। नंबर 8 पर है लाइफ। ये एक हॉरर साईफाई फिल्म है जो अपने टाइटल को पूरी तरह जस्टिफाई करती है, क्योंकि इसकी स्टोरी एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म पर बेस्ड है। फिल्म में हम देखते हैं कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर लाइफ एग्जिस्टेंस का एविडेंस मिलता है, और जब ये क्रू इस पर रिसर्च करता है तो धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और हॉस्टाइल लाइफ फॉर्म है जो अर्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। दोस्तों, स्पेस एडवेंचर स्पेस जर्नी के साथ हॉरर थ्रिल और सर्वाइवल बैटल भी आपको दिखाएगी ये फिल्म। इस फिल्म को आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज पर ये हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 7 पर है एड एस्ट्रा। ये एक साईफाई थ्रिलर फिल्म है जिसकी स्टोरी एक ऐसे फ्यूचर वर्ल्ड में सेट है जहां ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे में एक फियरलेस एस्ट्रोनॉट अपने फादर को ढूंढने नेपच्यून पर जाता है, जो 30 साल पहले वहां गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। वो एक ऐसी मिस्टीरियस पावर सर्च का पता लगाने भी जाता है जिससे यूनिवर्स की स्टेबिलिटी को खतरा है। उसकी ये जर्नी बहुत से सीक्रेट्स को अनकवर करती है। दोस्तों, ये मूवी कुछ मोमेंट्स पर आपको थोड़ी स्लो और डल लगेगी, थोड़ा बोर भी कर सकती है, लेकिन इसमें दिखाए गए कुछ स्पेस सीन्स बहुत ही कमाल के हैं और उनके लिए ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। इसे आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज पर, डिटेल्स के लिए पिन कमेंट चेक कीजिए। नंबर 6 पर है प्रोमीथियस। ये एक साईफाई हॉरर फिल्म है जो एक डिफरेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको दिखाएगी। फिल्म में हम देखते हैं कि मैनकाइंड के ओरिजिन का क्लू मिलने के बाद एक्सप्लोरर्स की एक टीम को यूनिवर्स के डार्केस्ट कॉर्नर में भेजा जाता है ह्यूमैनिटी के ओरिजिन को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन वो वहाँ कुछ ऐसा डिस्कवर करते हैं जो बहुत हॉरिफिक होता है, अनइमेजिनेबल होता है। प्रोमेथियस मूवी एलियन मूवी सीरीज का ही प्रीक्वल है, लेकिन आपको इस फ्रेंचाइज की सभी मूवीज देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें से प्रोमेथियस सबसे बेस्ट है। ये फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेज पर हिंदी में अवेलेबल है, डिटेल्स के लिए पिन कमेंट चेक कीजिए। नंबर 5 पर है पैसेंजर्स। ये साईफाई रोमांटिक फिल्म एक यूनिक और अमेजिंग स्पेस एडवेंचर स्टोरी हमें दिखाती है। फिल्म में हम देखते हैं कि हजारों पैसेंजर्स एक ऐसे स्टार सिस्टम में जा रहे होते हैं जो अर्थ से 60 लाइट ईयर्स दूर है। वो सभी पैसेंजर्स हाइपर स्लीप में होते हैं। स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है जो अपनी स्लीप से 90 ईयर जल्दी उठ जाता है, यानी उसे 90 ईयर्स बाद जागना था लेकिन वो पहले उठ जाता है। अब ये एक इंसिडेंट उसकी जर्नी को कैसे चेंज कर देता है, ये आप फिल्म देखकर पता लगाइए। दोस्तों, फिल्म आपको दिखाएगी कि सारी फैसिलिटीज़ मिलने के बाद भी इंसान अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये रोमांटिक फिल्म है तो इसे फैमिली के साथ ना देखें तो बेहतर होगा। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेज पर ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगी। 120 years hibernation means he'll wake up in a new century on a new planet. But a year ago, everything changed. Number 4 पर है अपोलो 13। ये एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा फिल्म है जो 1970 के अपोलो 13 लूनर मिशन का ड्रामेटाइजेशन है। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर्स को फॉलो करती है जो एस्ट्रोनॉट्स हैं और अपोलो 13 मून मिशन का पार्ट है। मून पर लैंड करना उनका ड्रीम है, नासा का ड्रीम है, लेकिन एक्सीडेंटली उनका स्पेसक्राफ्ट डैमेज हो जाता है और अब नासा को इस क्रू को सेफली अर्थ पर लाना है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, फिल्म में कुछ इंटीमेट सीन्स हैं तो आप इसे अकेले ही एंजॉय कीजिए। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज पर, डिटेल्स के लिए पिन कमेंट चेक कीजिए।
नंबर 3 पर है फर्स्ट मैन। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो नासा के अपोलो 11 मिशन पर बेस्ड है। ये एक लेजेंडरी मिशन था जिसने नील आर्मस्ट्रांग को मून पर वॉक करने वाला फर्स्ट मैन बना दिया था। मूवी की एंडिंग शायद आपने प्रिडिक्ट कर ली होगी, लेकिन ये मूवी अपनी एंडिंग की वजह से नहीं बल्कि ऑल ओवर स्टोरी के कारण परफेक्ट बनती है, क्योंकि इसमें अपोलो 11 से पहले के 10 फेल्ड अपोलो मिशंस की स्टोरी भी दिखाई गई है। दोस्तों, ये फिल्म नील आर्मस्ट्रांग पर फोकस्ड है, तो इसमें आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी देखने को मिलेगा। ये अमेजिंग फिल्म आपको फैमिली के साथ जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी में। Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. नंबर 2 पर है ग्रेविटी। ये साइफाई फिल्म एक रियल स्पेस एडवेंचर फिल्म है जो स्पेस को बहुत करीब से दिखाती है, उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। फिल्म की स्टोरी मेनली इसके लीड कैरेक्टर्स को फॉलो करती है जो एक आउटर स्पेस मिशन पर जाते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उनका स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब क्रू के सिर्फ 2 लोग बचते हैं जो वहां सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, अर्थ पर वापस आने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये पूरी फिल्म स्पेस में ही सेट है और ऐसे अमेजिंग स्पेस सीन्स हैं इस फिल्म में जो आपके होश उड़ा देंगे। इस अमेजिंग फिल्म को फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ये हिंदी में अवेलेबल है अमेज़न प्राइम पर और नेटफ्लिक्स पर ये इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 1 पर है द मार्शियन। ये मैट डेमन स्टारर एक एक्सीलेंट साइफाई फिल्म है। ये फिल्म एक अमेजिंग सर्वाइवल स्टोरी हमें दिखाती है। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर पर सेंटर्ड है जो एक्सीडेंटली अपने क्रू से अलग हो जाता है और मार्स पर अकेला रह जाता है। अब उसे लिमिटेड सप्लाईज और अपनी होप के सहारे वहां सर्वाइव करना है और अर्थ पर यह सिग्नल भी भेजना है कि वो अभी जिंदा है। दोस्तों, ये उन मूवीज में से है जो आंखों से सीधा दिल में उतर जाती है, तो इस हर्ट टचिंग स्पेस मूवी को आप फैमिली के साथ जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है अनऑफिशियल सोर्सेज पर, डिटेल्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। This is Mark Watney, and I'm still alive, obviously. दोस्तों, ये थी टॉप 10 लिस्ट हिंदी डब्ड मूवीज की, लेकिन कुछ एक्सीलेंट मूवीज और भी हैं जो हिंदी डब्ड ना होने की वजह से इस लिस्ट में नहीं आ पाई हैं, और नो डाउट वो फिल्म्स इस लिस्ट में टॉप पोजीशन डिजर्व करती हैं। पहली फिल्म है इंटरस्टेलर। ये एक मास्टरपीस फिल्म है जो स्पेस एडवेंचर, टाइम ट्रेवल, हर्ट टचिंग इमोशन सब कुछ आपको दिखाएगी। दूसरी अमेजिंग फिल्म है 2001 ए स्पेस ओडिसी। ये भी एक एक्सीलेंट फिल्म है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ मिस किया हो वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये मूवीज़ आपको देखने को नहीं मिल पा रही हैं तो कमेंट में मुझे बताइए या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे DM कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। बेस्ट मूवीज़ और शोज़ के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।